So, hello, hi, and good morning to all. हम कर रहे थे सेल्फ असेसमेंट 4 और सेक्शन A 11 नंबर तक हमने किया था. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है इससे हम स्टार्ट करेंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, सही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ 25 मीटर. तो हमारे पास, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा. तो यहाँ पर हमें दिया है एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसका पावर है 4 डायोप्टर और उसका जो फोकल लेंथ है 0.25 मीटर है. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो इसका आंसर हम करेंगे, सो पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f. ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो प्लस 4 डायोप्टर हो जाएगा और जो फोकल लेंथ होगा वो प्लस 0.25 मीटर होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है. तो पावर की फॉर्मूला है 1/f. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू 0.25, दैट इज इक्वल टू 1/0.25, दैट इज इक्वल टू 1/25/100, दैट इज इक्वल टू 1 × ये 100 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 100/25, इसे कैंसिल करूंगा तो 4 आ जाएगा. तो इसका मतलब मेरा जो पावर है वो निकल के कितना आ गया, पावर इज इक्वल टू 4 डायोप्टर आ गया मेरा. और मुझे क्वेश्चन में यही पूछा था कि पावर अगर 4 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ 0.25 मीटर होगा. सो जो मेरा पहला ऑप्शन था वो बिल्कुल सही हो गया. ठीक है, ये जो मेरा पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो मुझे और कोई ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं है. तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आप भी आगे बढ़ जाइए. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी. जो पानी का जो कलर, सी वाटर का जो कलर होता है वो हमें ब्लू दिखाई देता है. एंड वो क्यों, किस लिए दिखता है, ये हमसे सवाल में पूछा है. प्रेजेंस ऑफ एल्जी एंड अदर प्लांट्स, क्या एल्जी के वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, आसमान की रिफ्लेक्शन के वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट. देखो ऑब्जर्प्शन तो नहीं होगा, अगर ऑब्जर्प्शन होता है तो पानी का जो कलर है वो ब्लैक दिखेगा. अगर सारे कलर ऑब्जर्व हो जाएंगे तो वाटर का जो कलर ब्लैक दिखेगा. यहाँ पर क्या होता है, पानी का कलर हमें ब्लू दिखता है, दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. क्योंकि ब्लू कलर हमें दिखता है, ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि जो सनलाइट होता है, सनलाइट में टोटल 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसमें से सारे कलर नहीं स्कैटर कर पाते, सिर्फ ब्लू स्कैटर करता है. तो इसीलिए बाकी सारे जो कलर हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लेकिन जो ब्लू होता है वो स्कैटर करता है. ठीक है, तो इसीलिए हमें पानी का जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट
at each higher tropic level is known as what? Accumulation मतलब आपके बॉडी में गैदर करना, आपके बॉडी में जमा होना, क्या जमा होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स, आपके बॉडी में जो भी बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड होते हैं ये आपके बॉडी में जमा होंगे, धीरे धीरे करके जमा होंगे, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? एंड दिस इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। अब जैसे कि आप अच्छी कल्टीवेशन के लिए क्या करते हो, पेस्टिसाइड अप्लाई करते हो प्लांट में, तो वो पेस्टिसाइड क्या होता है, प्लांट के बॉडी में डिपॉजिट होता है, और ये पेस्टिसाइड जो है ये हाईली टॉक्सिक होता है, और जैसे जैसे हम प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट को खाएंगे वो पेस्टिसाइड स्लोली स्लोली क्या करेगा, हमारे बॉडी में जमा होता जाएगा, और एक दिन ये लेवल कुछ इतना हद तक बढ़ जाएगा, तो जब ये बढ़ जाएगा हमें फौरन ढेर सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन, इसे ही हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर नोन एज व्हाट, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं, दे आर मेड बाय नेचर। सो यहाँ पे वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, एंड दैट इज नॉन अदर देन प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो यहां पे assertion और रीजन होगा जो थोड़ा सा हम ध्यान से करेंगे ताकि कोई भी गलती हमसे ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 पे हम बात करेंगे ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज डिफरेंट फॉर रेड लाइट एंड वायलेट लाइट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास में विथ रिस्पेक्ट टू एयर, पानी के मुकाबले, सो रेड लाइट का और वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में अलग अलग होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जो रेड लाइट होता है और जो वायलेट लाइट होता है वो ग्लास में अलग अलग एंगल पे बेंड होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं, ये बिल्कुल, ये जो assertion वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। रीजन देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ है पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। यहाँ पे साफ साफ दिया है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है मीडिया के ऊपर, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, और वेवलेंथ अगर डिफरेंट होगी तो लाइट की बेंडिंग भी डिफरेंट होगी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लाइट की रिफ्रैक्शन इसीलिए चेंज होती है क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स बेंड डिफरेंटली, वेवलेंथ अलग है तो बेंडिंग भी अलग होगी। और आपने शायद प्रिज्म के केस में देखा भी होगा, अगर ये कोई प्रिज्म है, मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है और लाइट अगर ऐसे जा रही है यहाँ से निकली, तो ये आपका रेड हो जाएगा और ये आपका वायलेट हो जाएगा, दिस इज वायलेट दिस इज रेड। वायलेट का वेवलेंथ सबसे हाई है इसलिए बेंडिंग कम हुई, ओ उल्टा बोल दिया, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड का वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पर बेंडिंग कम होती है, लेकिन वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है इसीलिए यहाँ पर बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर assertion भी सही, रीजन भी सही, और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 के लिए ए, ठीक है, 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए 15 नंबर पर बात करेंगे,
ओजोन इज बोथ बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग। जो ओजोन गैस होता है ये बेनिफिशियल है, मतलब हमारे अर्थ को अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाता है, और डैमेजिंग भी है। अगर इसे हम ब्रीदिंग में इनहेल करते हैं तो ये हमारी जान भी ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस गैस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया है? स्टॉप द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू प्रोटेक्ट द ओजोन। स्टॉप द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू प्रोटेक्ट द ओजोन। हमें ओजोन को बचाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, स्टॉप द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू प्रोटेक्ट द ओजोन, ये रीजन बाय जो स्टेटमेंट दिया है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन और रीजन में कोई संपर्क, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ओजोन की मेरिट्स और डिमेरिट की बात हो रही है, और यहाँ पर ओजोन लेयर को बचाने की बात हो रही है। ये भी सही और रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन और रीजन के बीच में कोई संपर्क नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द आर्टरी। जो वाल्व होता है वो आर्टरी में प्रेजेंट होता है, तो यहां पर ये असर्शन हमारा गलत हो गया। असर्शन गलत हो गया क्योंकि वाल्व आर्टरी में नहीं, वेन में होता है। तो दूसरा जो रीजन है इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सीधे ही लिखा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर मुझे एक टेबल दिया है और कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 17 है, थोड़ा सा ध्यान से। तो यहां पे मुझे चार मेटल दिया है, ए बी सी एंड डी। ये जो चार मेटल है, अगर ए को आयरन सल्फेट के साथ मैं रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ये कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस करता है, जिंक के साथ तो नहीं रिएक्ट करवाया, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी मैंने कुछ रिएक्शन नहीं करवाया। मेटल बी अगर मैं आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ पे रिएक्शन होता है, लेकिन जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। मेटल सी आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं, कॉपर सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं, जिंक के साथ नहीं, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर को इसने डिस्प्लेस कर दिया। मेटल डी आयरन के केस में नहीं, कॉपर सल्फेट में नहीं, जिंक सल्फेट में नहीं, और सिल्वर नाइट्रेट में नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर तो मुझे कुछ दिख रहा है, जो यहाँ पर जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो ये डी हो जाएगा। जो डी होगा, डी वो हो जाएगा सबसे लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। और सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होगा? यहाँ पे जितने भी सारे मेटल हैं, आयरन है, कॉपर है, आयरन है, कॉपर है, जिंक और सिल्वर है। तो आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, तो इन सभी में से सबसे हाईली रिएक्टिव होगा आयरन, नंबर एक पे। सॉरी, ये आयरन नहीं, जिंक है। जिंक है नंबर एक पे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। उसके बाद नंबर दो पे आएगा आयरन, उसके बाद नंबर तीन पे आएगा कॉपर, और उसके बाद नंबर चार पे आएगा सिल्वर। तो यहाँ पर जो मेटल बी है, इसने जिंक को तो डिस्प्लेस नहीं किया, लेकिन जो आयरन है, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर जो बी हो जाएगा, बी सबसे ज़्यादा
हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलेंगे, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पर बी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट। ये जो बी है इसने क्या किया, इसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब बी हाईली रिएक्टिव है। अगर बी को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर, अगर बी का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होता है तो बी क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, बी सल्फेट बनेगा और कॉपर बाहर आ जाएगा, ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी पे हम बात करेंगे, अरेंज द मेटल्स। अब देखिए, अरेंज द मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में हम मेटल को अरेंज करेंगे, मतलब जो हाईली रिएक्टिव होगा वो सबसे पहले और जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो सबके बाद में होगा। तो यहाँ पे मैंने सुबह से लिख दिया है, हाईली रिएक्टिव बी है और लीस्ट है डी, तो पहले बी और बाद में डी आएगा। तो ये एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ऐसा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? अब आपने क्या किया, मेटल के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बनता है आपका सॉल्ट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनता है, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस ही मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस रिएक्शंस आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे ए एक मेटल है जिसने बी एक्स कंपाउंड से बी को हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास ए बी सी ऐसा तीन मेटल है। ए क्या किया, बी एक्स कंपाउंड से बी को हटा दिया, ए एक्स प्लस बी बनाया, मतलब ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया। और नीचे वाला ये रिएक्शन देखिए, सी ने ए वाई कंपाउंड में से ए को हटा दिया, तो सी ने ए को हटा दिया। तो अब बताइए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ। देखिए, ए ने बी को हटाया, मतलब ए और बी के बीच में ए आपका स्ट्रांग हो गया, लेकिन सी ने ए को हटा दिया, मतलब ए और सी के बीच में सी हो गया सबसे स्ट्रांगेस्ट हो गया और बी सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गया। सो मोस्ट रिएक्टिव सी एंड लीस्ट रिएक्टिव इज बी। बात एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी मेरे ख्याल से यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे स्टडी द डायग्राम। ये कोई डायग्राम दिया है और कुछ, ये तो आप देख सकते हो, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर और जिसका नाम है कार्पेल या फिर हम इसे पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन के साथ हम आंसर भी करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द पार्ट मार्क्ड ए। अब ये जो ए है इस पार्ट का नाम क्या है,
तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर ये जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर को दिखा रहा है एंड दिस इज पोलन, ये पोलन है। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डज ए रिचेस पार्ट बी। अब जो ए है मतलब पोलन ग्रेन है, ये बी पार्ट में कैसे पहुंचा। बी कौन सा पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हो दैट इज स्टिग्मा, और ये जो बी जो पार्ट यहां पे दिखा रहा है दैट इज स्टाइल। सो पोलन ग्रेन बी तक कैसे पहुंचा ये हमसे पूछा है। सो ध्यान दे, जैसे पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है वैसे ही स्टिग्मा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और वो ट्यूब से ये धीरे धीरे करके स्टिग्मा से यहाँ तक स्टाइल तक आता है, और इसी ट्यूब को ही हम कहते हैं पोलन ट्यूब। दैट ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी पे बात करेंगे। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट सी। अब ये पार्ट सी का फंक्शन पूछा है, इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्ट सी। अब देखिए ये जो पार्ट सी है इसका नाम है पोलन ट्यूब। पार्ट सी का जो नाम है दैट इज पोलन ट्यूब। अब इसका फंक्शन पूछा है, ये क्या करता है, कैरेज मेल गैमेट टू रीच एग। अब ये पोलन ट्यूब से ये जो मेल गैमेट है दैट इज पोलन ग्रेन, ये ऐसे करके ओवरी तक मतलब री एग तक आके पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मेल गैमेट टू रीच एग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। व्हाट हैपेंस टू द पार्ट मार्क्ड डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर। अब ये जो डी पार्ट आप देख रहे हो दैट इज ओवरी। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाता है तो क्या होता है, व्हिच पार्ट डेवलप्स इनटू सीड एंड फ्रूट। कौन सा पार्ट सीड में बदलेगा और कौन सा पार्ट फ्रूट में बदलेगा, और जो पार्ट आपका सीड में बदलेगा वो है ओव्यूल, और जो ओवरी होता है वो पार्ट बदल जाएगा फ्रूट में। क्योंकि ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दैट इज ओवरी, और ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दैट इज ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है एग। सो ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। ठीक है, सो यहां तक हमने खत्म कर दिया। सो आगे के लेक्चर में हम क्लास को जारी रखेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। सो सी यू इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स, टेक केयर।